Hello, students. Today we are going to learn about PETA, which is People for the Ethical Treatment of Animals. Okay, People for the Ethical Treatment of Animals uh, is an American animal rights organization, uh, which is uh, located in uh, Norfolk, Virginia, USA. ये, ये यूएसए में वर्जेनिया यूएसए में लोकेटेड है और ये जो है लेड बाय एनग्रेड न्यूक्रेक ये जो है इसकी प्रेसिडेंट है और ये क्या है इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एनग्रेड जो है इसकी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है और ये इट वाज़ फाउंडेड इन मार्च ट्वेंटी सेकेंड नाइनटीन एटी uh, ये तकरीबन कोई फोर्टी वन ईयर्स ए गो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म uh, हुआ था और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है पीटा और uh, फर्दर जो है ये एनिमल राइट एंड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो है फिर बहुत से ज्यादा मेंबर्स भी हैं इसके और इनके जो एम्प्लॉयज हैं ये थ्री uh, एटी नाइन हैं लेकिन अगर ग्लोबली हम इसको देखें तो जो है टीटा में तकरीबन इसके नाइन मिलियन मेंबर्स और सपोर्टर्स ग्लोबली मौजूद हैं मोर देन नाइन मिलियन मेंबर्स और सपोर्टर्स इसके मौजूद हैं इनका जो स्लोगन है इनका स्लोगन है एनिमल्स आर नॉट और जो है एनिमल्स को हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते ईट मींस के ईटिंग पर्पजेस के लिए ये भी जो है प्रोहिबिट करते हैं वियरिंग जिस तरह हम इसका जो है वो काल वगैरह यूज़ करते हैं या इवन उनको अपने इंटरटेनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स को या एब्यूज इन एनी अदर वे या उनको किसी दूसरे तरीके से उनको हम यूज़ करते हैं या एब्यूज करते हैं ना तो ये जो है इनका स्लोगन है कि हम एनिमल्स को वो इस तरह यूज नहीं कर सकते अपने एंटरटेनमेंट्स के लिए आ, 1980 में न्यू क्रिक जो है उस उसने और उनके एक फेलो थे आ, ये एनिमल राइट एक्टिविस्ट जिसका नाम था एलेक्स पिछे को उन्होंने इनकी फाउंडेशन रखी थी और इसमें फर्स्ट जो है एक इंसिडेंट ये हुआ था जिन्होंने पब्लिक अटेंशन को जो है अपनी तरफ फोकस किया था और ये 1981 में समर में जो है सिल्वर स्प्रिंग मंग की केस एक एराइज हुआ था ना जिसमें उन्होंने जो है क्रूलिटी एक मंग की थी उसके साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर रखा था और ये जो मंकी था सिल्वर मंकी केस जो था ये ये मंकी केप्ट इन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर बिहेवियर रिसर्च इन सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड मे तो ये मैरीलैंड में इस मंकी को उन्होंने रिसर्च पर्पसेस के लिए रखा था बिहेवियरल बिहेवियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने उसको रखा था इस पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उसको यूज़ किया था और उस पर जो है बहुत क्रूअल टाइप के एक्सपेरिमेंट uh, किए थे इसमें मंकी हेड बीन यूज एज रिसर्च सब्जेक्ट बाय एडवर्ड टॉब जो थे उन्होंने uh, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको uh, इस पे रिसर्च किए थे uh, जो एक साइकोलोजिस्ट uh, थे uh, उन्होंने क्या किया था कि उनके जो एफरेंट गेंगलिया हैं उनको कट किया था यानी जो नर्व्स हैं uh, उनको कट किया था और फर्दर जो है ये जो एफरेंट गेंगलिया है ये क्या करते हैं सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को यानी हाथों से जो है ब्रेन को सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं तो उन्होंने क्या किया था कि इनके ये एफरेंट गेंगलिया कट किए थे और फर्दर जो है उन पर और जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे फूड डिप्रीवेशन ये उनको जो है फूड भी बंद किया था उस पर इसके अलावा जो है दूसरे क्रूअल मेथड्स जो हैं यूज़ किए थे जिसमें उन्होंने क्या किया था to, uh, to, uh, ही फोर्स देम टू ट्राई टू रिगेन द यूज ऑफ देर एम्पेड लेम्प इन जो उनके एम्पेड uh, लेम्पस थे टांगे वगैरह ना या हाथ वगैरह तो उनको uh, उन्होंने क्या किया था कि उससे uh, जो ट्रे मेरेजन रखे हुए थे तो उन्होंने उससे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की थी ये डिफरेंट टाइप के क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स uh, जो थे वो इस पर परफॉर्म किए गए थे तो ये केस जो था ये 1981 में फिर रिपोर्ट हुआ इस बेस पे जो है ये आ, इस पे बहुत ज्यादा स्टैंड लिया गया था ना तो ये जो आ, पीटा है आ, ये ऑर्गेनाइजेशन फोर मेन इश्यूज पे जो है वो फोकस करते हैं इसमें फर्स्ट वन जो है अपोजिशन टू फैक्ट्री फार्मिंग जिस तरह हम एनिमल्स जो है फैक्ट्री फार्मिंग में यूज करते हैं तो पीटा वाले जो है वो इसकी आ, वो मुखालफत करते हैं आ, इसके अलावा सेकंड जो है फ़र फार्मिंग जिस तरह जो फर फार्मिंग होती है इसको हम जो है वो वियरिंग में यूज़ करते हैं उसको पहनते हैं तो ये जो फार्मिंग है ट्रेड है इसकी भी ये मुखालफत करते हैं एनिमल टेस्टिंग जो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन होती है उस पर हम डिफरेंट टाइप के आ, उनको कैजेज़ में पंजरों में रखते हैं एक्सपेरिमेंटेशन परपजेस के लिए उसको यूज़ करते हैं तो ये भी जो है इसकी मुखालफत करते हैं और फोर्थ वन, वन पॉइंट जो है वो यूज ऑफ एनिमल्स इन एंटरटेनमेंटन जो एनिमल्स को हम अपने एंटरटेनमेंट्स में यूज करते हैं इसकी भी जो है ये मुखालफत करते हैं इसके अलावा जो है एट आल्सो कम्पैन फॉर अ वीगन लाइफ स्टाइल वीगन लाइफ स्टाइल जो वे, वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल होती है तो इसके लिए पीठा वाले कंपे करते हैं कि कंपेन uh, चलाते हैं कि वीगन लाइफ जो है हम उसको ज़्यादा प्रेफर करें मीन्स की वेजिटेरियन लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करें इंस्टेड कि हम मीट uh, काएँ uh, या फ़िशिंग करें तो uh, जिसमें हम क्या करते हैं कि एनिमल्स को फॉर एग्ज़ाम्पल uh, जबा करते हैं ना uh, या फ़िशिंग करते हैं फ़िश पकड़ते हैं उनको खाते हैं किलिंग ऑफ एनिमल्स आ, या दूसरे एनिमल्स को हम किस किल कर, करते हैं इसमें इवन आ, ये मुखालफत करते हैं जो पेस्ट्स हैं उनको हम जो किल करते हैं उनकी भी ये मुखालिफत करते हैं आ, इसके अलावा जो है कीपिंग ऑफ चैन बैकयार्ड डॉग्स जो आ, ये डॉग्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कि चैन के साथ बांध देते हैं आ, जो है आ, तो उसको जो है ये मुखालफत करते हैं कि इस तरह उसको नहीं बांध सकते ना क्योंकि ये भी जो है एनिमल एथिक्स के अगेंस्ट है इसके अलावा जो है कुक फाइटिंग जिस तरह मोस्टली लोग कुक फाइटिंग करते हैं उसको एंजॉय करते हैं एंटरटेनमेंट में यूज करते हैं या इवन डॉग फाइटिंग हो गया ना तो ये जो एंटरटेनमेंट्स हैं जिसमें हम कुक फाइटे, फाइट फाइट फाइटिंग या डॉग फाइटिंग करते हैं ना और उनसे एंटरटेन होते हैं तो ये जो है इसकी अपोजिशन करते हैं ना मुखालफत करते हैं या इवन बी आ, बी कीपिंग मीन्स ये जो बी फार्मिंग होती है ना जिसको हम आ, जो है वो यूज़ करते हैं जिस तरह शहद की मक्की होती है शहद को प्रोड्यूस करने बी जो शहद वग़ैरह हम बनाते हैं उनसे ना तो आ, इसकी भी ये मुखालफत करते हैं और इवन जो बुल फाइटिंग होती है तो ये बुल फाइटिंग की भी जो है ये मुखालफत करते हैं तो ये जो है आ, आ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आ, ये कंसर्न्ड है एथिक्स के साथ लेकिन वो एथिक्स जो एनिमल्स के साइड पे होते हैं इस बेस पे इनको पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल का नाम दिया गया है ओके थैंक यू सो मच सी यू अल्लाह